Waves are inspiring, not because they rise and fall. Oh, गहराई समझ रहे हो जरा? Waves are inspiring not because they rise and fall, but because they never fail. And if they fail, they never. छोड़ो, ये लाइन याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद ही नहीं हो रही है. आज शो में यूज़ करनी है मुझे, पता नहीं क्या होगा. लाइन मैंने नहीं लिखी है, ये लाइन लिखी है एक महान व्यक्ति ने जिसका नाम है जॉश बिलिंग. और ये बिलिंग जी क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, बट ये कोट इन्होंने लिखा है, ये जो मुझे यूज करना है. So this is how the setup looks like. A few moments later. तो अभी हमने काफी सारा पोर्शन शूट कर लिया, मेरा पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह सारा शूट हो चुका है और अभी बज रहे हैं दोपहर के एक. ओके, और अभी भी बहुत सारी चीजें बची है. शूट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये हो रहा है SBI के लिए. SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शो है जो मैं कर रहा हूँ, और इनके लिए मैं पहले भी बहुत काम कर चुका हूँ. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्लाइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस इवेंट के बारे में ये है कि इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सुनील ग्रोवर. जी हाँ, जिनको आपने देखा है एज गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी, तो वो भी अभी थोड़ी देर में आएंगे. मैं आपको, तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वहाँ से व्यू देखिए ज़रा. आपने हमारी पूरी ऑडियंस को इतना अच्छे से एंटरटेन किया है, वेरी श्योर कि वो अभी कहीं ना कहीं हंस हंस के गिर चुके होंगे, आई एम वेरी श्योर, है कि नहीं? देखिए, जहां तक टाइप की बात आती है तो टाइप तो मेरा ऐसा वैसा ही है. जहां तक आप बात कर रहे हैं कि एंटरटेन करने की जर्नी है, ऑफकोर्स इसके पीछे मैं एक छोटा सा शहर है मंडी डबवाली जो हरियाणा में आता है, लेकिन फिल्म देखने जाता था तो वहाँ मिथुन चक्रवर्ती साहब की मान लो फिल्म चल रही है, ए हा क्या ऐसा करके आते, तो मुझे लगता है स्क्रीन पे कैसे पॉसिबल है इतना, तो मुझे भी शायद स्क्रीन पे आना है. तो वो एक छोटा सा बचपन में ही अंदर ही डिसाइड किया था कि मैं मुझको भी कुछ एक्टिंग करनी है, कुछ ऐसा करना है, तो फिर वहाँ से वो शुरू हो गया. हमारी ऑडियंस के मन में, इनफैक्ट मेरे खुद के मन में भी एक ये सवाल है कि आप इतने सारे कैरेक्टर्स करते हैं, इतना बड़ा आपका रेंज है, विच इज द कैरेक्टर दैट यू एंजॉय द मोस्ट, आप कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? एक्चुअली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ पीपल रिसीव इट. जिस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा मिलती है, जिसको लोग पसंद करते हैं, वो आपको भी अच्छा लगता है. पर मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है. तो आपको ये क्वेश्चन मेरे, आपने जैसे बताया कि साड़ी पहनना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये साड़ी पहनना आपने सीखा कैसे, ये प्रोसेस जरा बताइए हमको. एक बार फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था वहाँ पे ना स्कूल में, हमारे शहर में मंडी डबवाली में, तो मैं भारत माता बनना था. अच्छा, तो मैं पहली बार भारत माता बना था मैं, तो तब मैंने साड़ी पहनना सीखा था. तो बड़े अच्छे प्लीट ऐसे प्लीट्स बना लेता हूँ. अच्छा, और आपको एक जैसे आप बुद्धिया कैरेक्टर करते थे, उसमें आपको तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली, एंड ऑल्सो टू गेट इन टू द जोन के आप अब ये कैरेक्टर प्ले करेंगे? टाइम तो 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन एक लड़की बनने के लिए तो एक ज़िंदगी पूरी कम है, लेकिन कैरेक्टर बनने के लिए 15-20 मिनट लग जाते हैं. पंजाबी में कहावत है कि मैं मतलब भी समझाऊंगा जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि 12 साल बाद रब रूड़ी दी भी सुन लेना, मतलब 12 सालों के बाद वो जो कचरे का ढेर होता है ना, उसको भी म्यूनसिपैलिटी वाले आके कहते हैं यार उठाओ उसको यहाँ से, तो उसका भी भला हो जाता है. तो लगे रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा. क्या बात है, इसी नोट पर तालियां बनती है लेडीज एंड जेंटलमैन. यस यार, वो तुम्हें जानते हैं पर्सनली हम मेरे को, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जान जाए ताकि थोड़ा सा लोन चाहिए था इनसे करवा लो. हाँ सर, मैं कोशिश जरूर करूँगा.
आपको सर लोन की क्या जरूरत है बहुत जबरदस्त शो करने के लिए आया हुआ हूँ और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्लाइंट्स है क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत बार काम किया और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा है। अब मैं आपको उस टीम से मिलवाना चाहूंगा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मिलिए हमारी टीम से। मैन यू रॉक, मैन यू रॉक। हाँ क्या, बस यार रोन, योर एनर्जी इज सुपर। कोरोना के बाद थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अब हो रहा है रात के 8:30 और मेरा शो हो चुका है खत्म। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के दिन मुझे बहुत मज़ा आया टू मीट माय ओल्ड पीपल बैक, टू मीट माय ओल्ड इवेंट एजेंसी, माय ओल्ड क्लाइंट्स बैक। बहुत मज़ा आया, आज हमने बहुत फ़न किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग देखने में भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे ये बनाने में आया है। सो थैंक यू सो मच। अगली बार जल्दी ही मिलेंगे एक अगले व्लॉग में एक अगली स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, हैव अ गुड लाइफ।